अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब फिट फाइन और हैप्पी होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बॉल्स, जिसके लिए मैंने ये इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। 2 कप के करीब मैंने श्रेडेड चिकन लिया है बॉयल, 2 मीडियम साइज़ के आलू मैंने बॉयल कर लिए हैं, 1 छोटी प्याज मैंने चॉप कर ली है, 1 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस ली है, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने धनिया लिया फ्रेश, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है, 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं एंड 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है और इसके अंदर मैं आलू डाल रही हूँ। और आलू जो है ना, चिकन मैंने ज़्यादा लिया और आलू सिर्फ जो है मैंने इसको बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ। आलू इसमें, आलू आपने ज़्यादा नहीं ऐड करने, इसमें सिर्फ 2 ही ऐड करने। अब हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं, कोरिएंडर लीव्स, इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, सब चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और मैं इसे अच्छी तरह बाइंड कर रही हूँ। अब हम इसके बॉल बना लेंगे। साइज के हम बॉल बना लेंगे। ये बॉल्स रेडी कर लेंगे। सब बॉल्स रेडी हो चुकी हैं, अब मैंने साइड पे रखते हैं और इसकी फिर 1 मैंने अंडा लिया, 3 मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिए, 1/2 की मदद से अच्छी तरह इसका चूरा कर लूँगी, मोटा मोटे चूरा कर लूँगी। सबसे पहले हम बॉल लूँगी, उसको मैंने अंडे में अच्छी तरह डिप किया, मैं इसके ऊपर अच्छी तरह कॉर्नफ्लेक्स लगा दूँगी। इसी तरह हम सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। बॉल्स रेडी हो चुकी हैं, चलें अभी इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो चलें अभी इसमें बॉल्स डालते हैं। देखें बहुत ही अच्छे से बॉल्स रेडी हो चुकी हैं,
और अभी ने अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलूँगी एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अभी के लिए खुदा हाफिज़।